नमस्ते, मैं हूँ महेश्वर और आज मेरे साथ है अजितेश। हाय, आई एम अजितेश, आई एम एन एड फिल्म मेकर एंड अ फिटनेस एंथुसियास्ट। और निकिता। हाय, मैं हूँ निकिता और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये दोनों वीगन हैं, इसका मतलब ये लोग जानवर से आने वाले कोई भी पदार्थ का सेवन या इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि अंडा, मांस, मच्छी, शहद, दूध, लेदर, सिल्क इत्यादि। लेकिन ये दोनों अलग अलग कारणों से वीगन बने। मैं वीगन बनी हूँ हेल्थ के लिए। और मैं वीगन बना जानवरों के लिए। भले ही मैं हेल्थ के लिए वीगन बनी, पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जानवरों को भी बचा रही हूँ। But I realized that this most compassionate lifestyle is also the healthiest lifestyle. लेकिन मुझे लोगों ने ये कहा कि एक मेरे वीगन बनने से जानवरों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोगों ने कहा वो सब तो ठीक है, What about your protein and calcium? जहाँ से गाय, भैंस, पिग, चिकन इन सबको प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, वहीं से हमें भी मिलता है, प्लांट्स। It's simple economics, demand and supply. When the demand for animal products that cause so much cruelty ends, so will the suffering. Every individual matters. So, लोगों को ये लगता है कि वीगन खाना बहुत ही सादा और बोरिंग है, पर ऐसा नहीं है। वीगन खाना भी वैसा ही है जैसा हम उसे बनाएंगे, चाहे हो चिकन बिरयानी या हो केक, पिज्जा हो या हो लड्डू, मैं ये सारा खाती हूँ, पर वीगन। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं हम क्यों बने वीगन, हमें नहीं बनना वीगन। मैं बस उनसे यही कहता हूँ कि एक सुई लीजिए और अपनी उंगली में चुभा के देखिए, खुद जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, गो वीगन।